दोस्तों, नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर पे जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ये मिस कर देते हैं कि वो ऐप जो है कहाँ पे डेवलप हुआ है। हमारा जो भी हम लोग परमिशन देते हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जो भी डाउनलोड करते हैं ऐप, तो उसमें ऑल कैमरा, आपका कैमरा, आपका माइक का भी ऑप्शन अलाउ होता है, आपका जीपीएस भी उसमें अलाउ करने का ऑप्शन देता है, तो हम लोग अलाउ कर देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरा डाटा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, किस देश में जा रहा है, या फिर इंडिया में जा रहा है, या फिर कहीं भी और भी जा रहा है। तो आज हम लोग एक नॉर्मल तरीका बताएंगे जिससे कि अधिकतर ऐप जो भी प्ले स्टोर पे मौजूद है, ते हैं प्ले स्टोर पे जाके कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करना रहता है तो जाके इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग नीचे स्क्रॉल करके कोई चीज़ ये नहीं ध्यान देते कि नीचे अबाउट में क्या लिखा हुआ है, हम लोग कभी ये नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि नीचे एक डेवलपर का ऑप्शन रहता है। डेवलपर ऑप्शन में एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस रहती है, अगर कोई भी चीज़ आप उसको भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। कि नॉर्मली हर एक विदाउट ईमेल एड्रेस कोई भी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे मौजूद ही नहीं रहती। लेकिन उसके अलावा अधिकतर ऐप, अधिकतर क्या, काफ़ी सारे ऐप जिस जो भी आप डाउनलोड करते होंगे उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है, डेवलप कौन किया है, इसका मेन ब्रांच जो कहाँ पे है, इंडिया में है या फिर कहीं भी, उसका एड्रेस भी रहता है। तो हम एक एड्रेस देख के तो ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कहाँ का ऐप है, मेरा डाटा जो है कहाँ जा रहा है, इसे कंफर्म हो सकते हैं। अधिकतर हम लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कि इंडियन ऐप डाउनलोड कर ले, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हाँ ये इंडियन ऐप है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम प्ले स्टोर में जाएंगे और कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन जो है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, और हर एक यूज़र को जाके डेवलपर ऑप्शन, कम से कम डेवलपर ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए कि ये ऐप जो है वो कौन से कंट्री में डेवलप हुआ है, और इसका डेवलपर जो है उसका ईमेल आईडी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर हमको कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है तो हम वो सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हम एमएक्स प्लेयर सर्च किए तो एमएक्स प्लेयर आ गया। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, इतना सारा हम लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हर एक ऐप में डेवलपर कॉन्टेक्ट का ऑप्शन रहता है। तो ये डेवलपर कॉन्टेक्ट में आप एड्रेस देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई भी मेल सेंड करना हो डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे रिव्यू और जो भी रिव्यू में लिखना रहता है वो लिख देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हमको पर्सनली कुछ सेंड करना है या फिर पर्सनली कुछ उसको भेजना है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, तो आप ईमेल एड्रेस से उसको सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगली बार से जब भी आप लोग डाउनलोड करेंगे कोई भी ऐप प्ले स्टोर से, तो डेवलपर ऑप्शन में ज़रूर जाके ये चेक कर लेंगे कि वो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है, या फिर ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ये कहाँ का एड्रेस है, या फिर जो भी है वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, तो आप कंफर्म हो सकते हैं अधिकतर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।